Hey guys, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइज, ये हमारा ग्लोबल रैंक सर्वर का होने वाला है डे नंबर 2। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है, हम लोग पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो है ना गाइज, यहाँ पे मैं आया था ट्रेड जोन के पास में, क्योंकि ये कंपोनेंट्स वाला जॉम्बीज जो है ना, मुझे उसे मारना था। और मुझे जो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी अपने के लिए कुछ कंपोनेंट्स डिसमेंटल करने थे, इसीलिए जो है मैं फटाफट से ट्रेड जोन के पास आया। सो मैंने यहाँ पे एक बेस बनाया। वो क्यों गाइस? क्योंकि मैं कंपोनेंट्स जो है ना ही हार्बर में डिसमेंटल करता हूँ, ना ही मिलिट्री में। यार पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बंदे क्लियर मैप यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट डिसमेंटल करने का भी मन नहीं करता। फटाफट से यार मिलिट्री लूटो और वहां पे से भगो। आजकल तो गाइस यही सीन है। एंड मैं सोच रहा हूँ यार, जैसे ही इस सर्वर में हैकर्स थोड़ा सा कम होंगे, तो हम लोग जो है ना अपना बेस यहाँ पे से ट्रांसफर कर देंगे हार्बर में, तब थोड़ा सा मजा आएगा। एंड फाइनली गाइस, वहां पे से मैं आ चुका हूँ। एंड देखो यार, यहाँ पे जो है ना, मैं टाइम देखने आया था पर्पल कार्ड का, क्योंकि मिलिट्री में जो है ना दोनों ग्रीन कार्ड थे। तो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं है कि अपने को कार्ड वगैरह मिलेगा। एंड फाइनली यार, यहाँ पे हमें मिला पहला फेक वन क्लू, जो कि क्लियर मैप यूज कर रहा है। तो मैंने डिसाइड करा यार, फटाफट से अपना जितना भी कंपोनेंट्स है वो डिसमेंटल करता हूँ। एक राउंड में पैरल लगा दिया था। एंड यहाँ पे से ये बंदा देखो सामान उठा दिया। अभी तक मुझे पता नहीं था ये बंदा एक्चुअली में है कौन। एंड बाद में यार मैंने कहा यार, इसका नाम तो देखना तो बनता ही है, तो मैं इसको बुलाने लगा। एंड देखो यार, अभी जैसे ही बाहर निकलेगा तो भाई मैंने देखा भाई ये तो वन क्ल्यू है, फेक वन क्ल्यू। भाई सही बोला, जो भी बोलता है ना वन क्ल्यू नो टेक्सचर यूज करते हैं। हाँ यार, वन क्ल्यू नो टेक्सचर यूज करते हैं ये जैसे। तो मैंने इसको बोल दिया, बेटे कल वीडियो आ रही है, तुम जैसे लोग जो है ना नाम बदनाम करते हो ना मेरा, उसके लिए तो देख लीजिए यार। एंड अभी जो है ना भाई, इसके बाद जो है मैंने इसको कितनी गंदी गंदी गाली दी वो मेरे को ही पता है। तो फाइनली यार, तो मैंने आपको दिखा दिया है, अभी फेक वन किलो के साथ हमारे फाइट भी होगा। एंड देखना यार, तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइट जीतेगा। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नया है, एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइस, जैसे मैं वहां पे गया था, मैंने कहा यार कार्ड वगैरह तो अपने हाथ नहीं लगेगा। एंड लकीली यार यहाँ पे ड्रॉप आ चुका था मिलिट्री में। एंड मैंने जो है ना उस बंदे को यहाँ पे चैलेंज कर दिया था, भाई तू मिलिट्री आ जा। एंड देखो गाइस, वो बंदा मिलिट्री आता भी है, पर मिलिट्री में यार एक फायदा था, अगर वो मेरे को मारना चाहता है क्लियर मैप की हेल्प से इजीली मार सकता था, अगर वो यार जहाँ पे रॉकेट होता है ना उधर से आता। पर ये बंदे ने यार ओपन में रश करा। एंड तुम्हारे भाई ने यार क्या ही गजब तरीके से उसको भरा। एंड देखो गाइस, यहाँ पे एक काफी गजब का सीन हुआ। सो जैसे मैं ड्रॉप के पास गया, एंड लकीली गाइस मेरा अनलकीली मतलब मेरा डिवाइस जो है ना बूम बम क्रैश। मैं सोच रहा था यार कोई बंदा मारे ना, अगर मार दिया ना तो काफी ज्यादा लेट हो जाता। लकीली यार कोई बंदा मेरे को मारा नहीं, क्योंकि यार वो बंदा जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, वो जो है ना जहाँ पे रॉकेट होता उसके पीछे छुपा हुआ था। एंड देखो यार उसको किस तरीके से हम लोग भरते हैं। मुझे लग रहा था कि बंदा जो है ना वहीं पे होगा। एंड उसके बाद यार यहाँ पे काफी बंदे आएंगे, एंड क्या ही गजब का पीपी होगा। तो रिपोर्ट में नाम तो आ रहा है, पर मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है वो बंदा है एक्चुअली में कहाँ पे। तो मैं जैसे ही गाइस यहाँ पे आया, एंड देखो यार वो बंदा मेरे को यहाँ पे बैठा हुआ दिखा। तो लगभग एक 18 का हेड पड़ा था, एंड बाकी जो है ना उसको सारे के सारे बॉडी पड़े। तो मैंने फटाफट से दूसरे गन स्वैप करा, मैं रिलोड कर रहा था। मैंने कहा रिलोड में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने यार रिलोडिंग कैंसिल करा। एंड लकीली यार यहाँ पे तुम्हारे भाई को क्या मिला, आयरन का शूज। भाई मजा आ गया, मतलब आयरन का शूज मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। और अभी जो है ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्रॉप का टाइम देख के आता हूँ कि कितना टाइम बचा हुआ है, क्योंकि ये बंदा यार जैसे ही ड्रॉप आया था वो बोट लेके फटाफट से यहाँ पहुंचा था। एंड मैं तो यार ट्रेड जोन गया था, वहां पे बंदों के साथ मस्ती कर रहा था। एंड उसके बाद यार मैं यहाँ पे कैंप करने लगे, क्योंकि लगभग अभी 5 से 6 मिनट बचे हुए। एंड दो बंदे वहां पे आपस में फाइट करने लगे, एंड पीछे से जो मैं मजा कर रहा था, एंड उस बंदे को यार मैंने काफी डैमेज दिया। एंड तब तक दूसरे बंदे ने उसको शॉटगन से भर दिया, जिसने उसे शॉटगन से भरा इस बंदे ने उसको भरा, एंड इस बंदे को जो है ना मैंने भर दिया। भाई काफी गजब की सीरीज चली थी यहाँ पे। तो फटाफट से यार इसको फिनिश करता हूँ। और एक बंदा जो है ना जिसके पास मास्क था, वो सिर्फ यार यहाँ पे आया था गन्स के लिए, क्योंकि उसको SMG वगैरह चाहिए था। पर मैंने जो है ना उस बंदे को देख लिया था, वो जैसे गन्स वगैरह उठाता है तब तक तुम्हारा भाई यार उसको भी वहां पे भर देगा। तो अभी सबसे पहले तो मैं फाइट वगैरह नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं अपना हील करता हूँ, क्योंकि भाई हील करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइज, अपन लोगों ने हील कर लिया। एंड एक बंदा जो है ना मेरे को यहाँ पे दिखा,
एंड आप लोगों के साथ गाइस ये हो रहा है कि दूर की चीज ना जल्दी रेंडर नहीं हो रही, इवन प्लेयर भी। तो चलो गाइस इसको मैं फटाफट से मानता हूँ, ये लूट उठा रहा है, अगर मर भी गया एटलीस्ट इसका एसएमजी तो ना गिरे। पर यार इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, एंड इसका जो एसएमजी था जो इसको यहाँ पे से मिला था वो भी अपने को मिल चुका है। तो चलो गाइस अभी जो है ना लगभग हमने ड्रॉप वाला एरिया तो पूरे का पूरा क्लियर कर लिया है, और देखते हैं भाई अपने पास गन तो काफी ज्यादा हो गई है और आयरन का जूता भी मिल गया है। बस यार यहाँ पे अपने को फार्माज या फिर उजी मिल जाए ना मजा आ जाएगा। लगभग यार 3 मिनट है, तो मैंने कहा यार अभी बंदे का नाम रिपोर्ट में आने लगा है, वो डेफिनेटली यार इधर से आएगा। देखो गाइस बोरा ये वन क्लू है क्लियर मैप यूज कर रहा है, देखो वन क्लू भाई दिख गया जवाब, यस वन क्लू यूज है। तो चलो यार फटाफट से इसको मारते हैं। वैसे इस वाले वन क्लू में थी उजी, पर यार तुम्हारे भाई ने इसको इजीली भर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड लक इसका लक यार काफ़ी अच्छा था कि इसका जो है ना उजी नहीं गिरा, अगर उजी गिर जाता यार मज़ा आ जाता। देखता हूँ यार फटाफट से हील करता हूँ। वैसे इसने अपने को काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था, 50% हेल्थ तो अपना ऑलरेडी कम हो चुका था। एंड ये बंदा किधर आ रहा है पता नहीं यार, एटलीस्ट देख तो लेता। वैसे मैं हार्ड कैंप कर रहा था तो उसे लगा यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, वैसे रिपोर्ट में तो देखना चाहिए था। तो चलो गाइस लगभग 30 सेकंड बचे हुए हैं, हाँ देखता हूँ यार रिपोर्ट में काफ़ी बंदे आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है अगर मैं सीधा आगे वाले गेट से जाऊँगा गाइस डेफिनेटली वहाँ पे कुछ बंदे कैंप कर रहे होंगे, सो वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी गंदा स्कैम हो सकता है। तो मैंने भी गाइस एक काफ़ी गजब का प्लान चला, वो क्या, तो मैं जो है ना गाइस आगे से नहीं गया, हम लोग पीछे आई मीन साइड वाले गेट से निकल गए, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार देखा है, क्योंकि जब बैच वगैरह लेते हैं ना पहले के टाइम पे, तो हम लोग जो है ना मेन गेट से नहीं पीछे वाले गेट से निकलते थे, वो बहुत पहले की बात है, क्योंकि आगे जो है ना गाइस काफ़ी बंदे कैंप करते थे, तो बाद में तो यार बगल वाले गेट में भी जो है ना बंदे कैंप करते थे। देखता हूँ यार क्या क्या मिला भाई, जो चीज़ अपने को चाहिए था वो सारा का सारा मिल चुका है, मज़ा आ गया। पहले ये तो गिराऊँ, और मुझे लग रहा था यार डेफिनेटली बंदे वगैरह आएंगे, सो मैंने कुछ सामान जो था वो उठाया नहीं। वैसे कुछ पाइप थे और लॉन्चर था, कोई उठा लेगा यार, वैसे भी अपना बैकपैक जो है ना टकाटक भरा हुआ है। सो मैं ऐसे करता ना फटाफट से यहाँ से निकलता, भाई आज तो मज़ा आ गया, मतलब यार इतनी अच्छी स्टार्ट कभी नहीं हुई। अपना चाहिए था यार अपने को फार्माज और उजी, क्योंकि मिलिट्री में दोनों ग्रीन था, सो पर्पल गार्ड मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इस वाले सर्वर में अपने को, नहीं तो यार अब तक एक पर्पल कार्ड हमारे पास हो ही जाता। एंड अभी तक यार एक भी पर्पल कार्ड जो है ना अपने पास नहीं है, वो आप लोग समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे ब्लू रूम है ही नहीं। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे सब फटाफट से निकलते हैं। एंड बैटल चैट में यार मैं उसको बोल भी नहीं भी लगा था, भाई क्या हो गया क्लियर मैप काम नहीं आया। मुझे पता है यार मॉन्यूमेंट्स में क्लियर मैप वाले के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है, और ओपन फाइट में यार बहुत ज़्यादा कम, मतलब ओपन फाइट में जिसका थोड़ा सा पीएपी ठीक है वो इजीली जीत जाता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं क्लियर मैप वाले बंदों को ना ओपन में पकड़ो वो बेटर है। तो फाइनली यार उसके बाद जो है ना मैं बेस गया, कुछ बंदे जो है ना बेस में कैंप कर रहे थे तो मैं अपना बेस में नहीं गया, सो वहाँ पे जो है ना मैंने एक छोटा सा बेस बनाया, सारे का सारा लूट मैंने अपने उस बेस में रखा। एंड उसके बाद जो है ना मैं फटाक से आ चुका था यहाँ पे कार्गो में, भाई कार्गो में जो है ना एक काफ़ी गजब का सीन हुआ, मतलब यार तुम्हारे भाई को एक शॉटगन का फटका क्या पड़ा वो मुझे जो है ना गाइस जिंदगी भर याद रखेगा, इतना गंदा फटका यार मुझे कभी नहीं पड़ा। एंड अभी जो है ना यहाँ पे दो बंदों का नाम शो हो रहा है, आई मीन रिपोर्ट में, वैसे नाम तो काफ़ी ज़्यादा है पर एक्चुअली में दो बंदे जो है ना यहाँ पे कार्गो में है, एंड आपस में यार दो बंदों की फाइट होती भी है। मैंने उसके एक बंदे को डैमेज भी दिया, पर तब तक यार वो अच्छे से कवर में जा चुका था। एंड देखो यार वहाँ पे क्या ही गजब का फाइट होगा, तो अभी मुझे दिख नहीं रहे कि बंदे कहाँ पे हैं, मैं गया आगे, भाई जब तक मेरे को फुटस्टेप्स नहीं आएंगे ना तो अपन निकलेगा नहीं यार, सोलो हूँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, अगर मरूँगा ना फिर तो मुश्किल ही आना। वैसे बेस पास में ही है तो मैं आ सकता हूँ, भाई इस सर्वर में जो है ना गाइस हैकर इतने सारे हैं, अब क्या करें, अब तो 72 आवर्स तक तो खेलना ही है गाइस, कुछ भी हो जाए चाहे हैकर कितना भी मारे अपने को। ओके गाइस फाइट हुआ, लगता है आगे बंदे, तो मैं जैसे गाइस ये बंदे को मैं मारा, एक बंदे को मैं नॉक किया, अभी दूसरे बंदे को देखता हूँ, भाई दूसरे वाले बंदे को देखना था क्योंकि ये फार्माज यूज़ कर रहा है और अपने पास है यार एसएमजी है, देखते हैं लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे से मैंने जैसे ही जंप मारा ना बंदे के पास यार शॉट गन था, एंड तुम्हारे भाई को देखो मुंह में फटका मारा यार, एक फटका और मैं नॉक एंड फिनिश यार। उसके बाद मैं दोबारा से आया एंड एक बंदा यार मेरे को पानी में तैरते हुए दिखा,
तो मुझे लगा डेफिनेटली ये लूट लेके भाग रहा है। एंड देखो यार यहाँ पे अंडर वाटर फाइट होने वाली है, काफी गजब की, एंड आप लोगों को भी काफी मजा आएगा। एंड ऐसी अंडर वाटर फाइट आप लोगों ने देखी नहीं होगी। तो देखिए गाइज अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, मेरे को ओके गाइज वो रहा, देखो वो तैर रहा है अभी कार्गो के पास में। तो ऐसे करता हूँ मैं इसके पास जाने का ट्राई करता हूँ। तो जैसी गाइज मैंने बोट रोटेट करी, लगता है वो पानी के अंदर घुस चुका था, क्योंकि मेरे को तैरने का साउंड भी नहीं आ रहा था। एंड उसका जो थोड़ा सा मार्क आता है ना, ओके ये रहा देखो। तो हम लोग इसके सामने चलते हैं एंड इसको मारने का ट्राई करेंगे, कहीं अपनी बोट लेके ना भाग जाए। फटाफट से पहले बोट से फ्यूल निकालता हूं, फ्यूल बाहर निकालेंगे। चलो यहां पे फाइट करते हैं भाई, आपस में फाइट होने लगी। मैंने दूसरी गन ट्रैप करी एंड तीसरी गन, अबे रिलोड मत कर, मार फटाफट से, तीसरी गन में आऊंगा गाइस मैं। एंड ये शॉट गन मार रहा है भाई, अब तो रिलोड करना ही पड़ेगा। दो गन तो मैंने इजीली खत्म कर दिए इसमें, लगभग 120 बुलेट्स यार एसएमजी के। फिर तीसरा मैग है, आई मीन पांचवा मैग है भाई। अब छठवा रिलोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं। एंड ये बंदा ऑक्सीजन के लिए बाहर नहीं आया था, एंड यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है ये ऑक्सीजन से मरेगा। चलो अंदर जाके देखते हैं किधर गया। ओके ये रहा देखो, अबे इसकी हालत अभी काफी है। ओके मैं नॉक हो चुका है यार, ये तो नॉक हो गया। लगभग मैंने 120 बुलेट्स खत्म कर यार, फिर भी इसका हेल्थ काफी ज्यादा था। अभी इसके पास तो ड्रॉप का लूट ही नहीं है, लगता है यार कोई बंदा ड्रॉप लूट के जा चुका है। फिर भी एक बारी में जो है ना कार्गो में चल के देखे हैं। तो चलो गाइस ऐसे करते ना, फटाफट से कार्गो में चल के देख के आते हैं कार्गो लूटेड है या नहीं लूटेड है। वैसे अगर लूटेड नहीं होता वो बंदा डेफिनेटली अपने को कार्गो से मारने का ट्राई जरूर करता। फिर भी हम लोग एक बार ही देख के तो आते हैं, क्या बोलते हैं गाइस चलें? मुझे लगता है देख के आना बेटर रहेगा यार, चलते हैं लेट्स गो, देखते हैं भाई मिलता है या नहीं मिलता भाई। फाइट तो काफी गजब का वहां पे, वैसे डे टू यार काफी अच्छा चल रहा है अपना। तो फाइनली यार यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, एंड फटाफट से यार मैं पहले देखता हूँ ड्रॉप है या नहीं है। भाई इनके पास नहीं जाना है, ये गंदा मारते हैं। ओके गाइस आई थिंक ड्रॉप जो है वो ऑलरेडी यार कोई लूट लिया है। सो हम लोग ऐसे करते हैं ना, फटाफट से यहाँ पे से बेस जाने का ट्राई करते हैं। वैसे उन बंदों को यार बेस ढूंढना है मेरे को, क्योंकि उनके साथ यार अपनी काफी गंदी फाइट हो रही है। एंड यही बंदे जो है ना मेरे को वहां पे भी मारे थे बॉट बेस में। तो उसके बाद यार मैं फटाफट से अपने बेस पहुंचा, एंड मैंने फटाफट से यार अपनी जो वर्क बेंच है उसे अपग्रेड करा, क्योंकि मुझे जो है ना फार्म हाउस क्राफ्ट करना था। सो आपको ऑलरेडी पता ही होगा फार्म हाउस क्राफ्ट करने के लिए आपको वर्क बेंच जो है वो एडवांस करना होता है। सो मेरा वर्क फार्म हाउस का रेसिपी लर्न हो चुका है। आई होप यार वर्क बेंच भी हो गया होगा एडवांस। ओके यार वर्कबेंच भी एडवांस हो चुका है, तो मैं फटाफट से अपने के लिए फार्मास वगैरह बनाता हूँ। एंड उसके बाद यार हम लोग थोड़ा सा चलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो फाइनली गाइज ये अब आ चुका है रेड टाइम का टाइम। सो अगर मेरा वुडन का बेस है तो रेड आराम से हो जाएगा। फटाफट से अपना बेस जो है ना सबसे पहले हम लोग अपग्रेड करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोग ये बोलते हैं कि भाई यार मेरा बेस हमेशा रेड हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग रेड टाइम पे सर्वर स्टार्ट करते हो तो अपना कैबिनेट उड़ा दो, एंड अगले दिन जो है ना सबसे पहले यार अपना बेस अपग्रेड करो। तो ये डे टू है, तो मैं डिसाइड करूंगा फटाफट से अपना बेस अपग्रेड करता हूँ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपना बेस जो है ना ओनली स्टोन का रखूंगा, नहीं गाइस डे टू में जो है ना सब बंदों के पास ऑयल ड्रम होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा फटाफट से अपना बेस जो है ना वो आयरन का कर दूं। एंड डे थ्री में यार अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा स्टील है तो एटलीस्ट यार अपना जो मेन लूट एरिया है वो स्टील का कर दो, या फिर अपना कैबिनेट वाला एरिया जो है ना वो स्टील का कर दो। अगर आप लोगों का कैबिनेट एरिया सेफ है तो आपका जो बॉक्सेस है ना उसमें लूट वगैरह तो नहीं गिरेगा, एंड आपका बेस भी इजीली सेफ होगा। एंड आप लोग देखिए डे टू में ना अपना बेस पूरा का पूरा स्टील का होगा। तो अभी जो है ना गाइस मैं हम फटाफट से आयरन का करते हैं। तो लगभग मेरा मेन कोर तो हो चुका है भाई, इसको भी स्टोर नहीं है मेरे में, आई थिंक कैबिनेट में होगा, फटाफट से करता हूँ। देखो यार अपने पास उतना आयरन नहीं है जितना अपने पास स्टील है, देख रहे हो तुम्हारा भाई का स्वैग काफ़ी खतरनाक। कोई नहीं यार अभी हम लोग दोबारा जाएंगे बॉट बेस लूटने के लिए, देखते हैं यार बॉट बेस में लूट होगा या नहीं होगा, वो तो लक के ऊपर डिपेंडेंट है यार, कभी आपको बॉट बेस का लूट मिल जाता है, वैसे मैक्सिमम नहीं मिलता। पर जब तुम्हारा भाई एक बार लूट लेना गाइज उसके बाद किसी को लूटने नहीं देता। तो चलो गाइज हम लोगों ने अपने बेस जो है वो टोटली अपग्रेड कर लिया है। वैसे मैं फाउंडेशन भी अपग्रेड कर सकता था,
पर इतनी जरूरत नहीं है यार, अपने पास आयरन काफी कम है। तो अभी हम लोग देखे गाइज, ये अपना बेस जो कि काफी गजब का है। पहले यार मैं अपनी जो वेंडिंग है ना उसमें देखता हूँ अपना सामान कितना बिका है, क्योंकि अपन लोगों ने एक फार्म हाउस वगैरह भी सेल करने के लिए लगाई थी, उजी भी एंड काफी ज्यादा एसएमजी। भाई अपना ब्लू कार्ड तो नहीं बिका एंड लगभग यार 4,500 सल्फर का हम लोगों ने प्रॉफिट कर लिया है, जो कि काफी गजब है यार। मतलब फ्री का 4,500, फ्री का नहीं है यार, हम लोगों ने सामान सेल करा है उसका है। तो फाइनली यार फटाफट से मैं जो सल्फर है वो रखता हूँ अपने बॉक्स में। देख लीजिए यार, लगभग मेरे पास 12,000 सल्फर हो चुका है। नहीं 12 नहीं गाइस, लगभग ज़्यादा है, आई थिंक 20 के करीब में है, नहीं 12,000 है आई थिंक, हाँ 12,000 है। तो चलो गाइस अपना सल्फर वगैरह हमने यहाँ पे रख दिया है, और मैं जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना अपने नेबर्स को रेड करना है। भाई यहाँ पे अपने बेस के बगल में ना 3 चाइनीज का बेस है, सो वो हमें उड़ाना है एंड उसके लिए मेरे को डेफिनेटली ऑयल ड्रम चाहिए। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑयल ड्रम का रेसिपी जो है वो लर्न होने वाला है एंड मैं कुछ ऑयल ड्रम्स यहाँ पे बना के भी रख दूंगा। और मैं आज जो है ना आपको तो मैंने एक हैकर तो दिखा दिया है, वन क्लू हैकर, एंड आज जो है ना मैं आपको एक और हैकर का बेस दिखाने वाला हूँ, जिसने जो है ना गाइज बेस अपना काफी गजब का बना रखा है। मतलब उसका बेस यार रेड करने के लिए आपको पूरा वॉल तोड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद ही जो है ना उसने वॉल के अंदर जो है ना फर्नेस ग्लिच करके रखी हुई है एंड वो कैसे वो मुझे भी नहीं पता। तो चलो गाइज अभी जो है ना सबसे पहले तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने नेबर का बेस रेड करने के लिए। नहीं अभी टाइम काफ़ी है, तो ऐसे करते हैं थोड़ा सा हम लोग फार्मिंग करने के लिए निकलते हैं। तो मुझे फार्मिंग चाहिए सल्फर, आयरन एंड स्टोन, और फटाफट से करता हूँ। भाई फाइट होगा कल से, हाँ मैं कल डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि हम अपना बेस हार्बर में शिफ्ट कर दें। आपको तो पता है हार्बर में क्या ही गजब का सीन होता है। तो ओके गाइज यहाँ पे हम लोग फार्मिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं। सोलो में गाइज काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग डुओ खेल लेते ना तो बूम बाप फाइट चल रहा था, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यार सोलो में, यार सब चीज अपने आप करना पड़ता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो भाई लगभग मैंने यहाँ पे आधा घंटा एक घंटे करीब फार्मिंग करी थी एंड ज़्यादा फार्म नहीं हुआ, क्योंकि यार एक्स फार्म करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड अपने पास जो है ना बस इतना ही फार्म हुआ एक घंटे में। भाई अपने तो शॉटगन फार्मिंग बेटर जस्टी, अपने को गाड़ी लेके निकल जाओ एंड दबा दब शॉटगन फार्मिंग करो एंड ईजिली गाइज एक घंटे में लगभग 12,000 से 14,000 सल्फर, वो अपने को ज़्यादा बेटर करता है। तो चलो कोई नहीं गाइस, जितना भी हम लोगों ने फार्म किया है वो हम लोग डालते हैं फर्नेस में एंड अब फाइनली यार यहाँ पे टाइम हो चुका है रेड करने का, और मैं फटाफट से बनाऊंगा ऑयल ड्रम्स एंड निकल जाएंगे हम लोग अपने नेबर्स को रेड करने के लिए, जो कि चाइनीज हैं। भाई पहले चाइनीज के साथ अपना काफ़ी पंगा चलता था, अभी तो अपन लोगों ने पंगा लेना काफ़ी बंद किया है। भाई फालतू का पंगा नहीं लेना है, एक फर्नेस और बनाता हूँ क्योंकि जरूरत है अपने को, लगभग 3 फर्नेस तो होना चाहिए यार। तो लगभग जो है ना मैं अपनी कैबिनेट में 500 वुड डालता हूँ एंड जितना भी वुड है ना वो अपने काम आएगा। चलो गाइस अपनी तीसरी फर्नेस में यहाँ पे लगाता हूँ। तो फाइनली यार यहाँ पे अपन लोगों ने फर्नेस लगा दिया, सो इसमें मैं चारकोल कुक करने के लिए रख दूंगा। तो चलिए गाइज फटाफट से हम लोग जो है ना उस चाइनीज का बेस रेड मारने के लिए चलते हैं एंड मैंने ऑलरेडी यार ऑयल बम बना के रखे हुए हैं और मुझे जो है ना थोड़ी सी लैडर्स चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ लैडर्स बना लेता हूँ। सबसे पहले तो ऑयल ड्रम बनाता हूँ, भाई ज़्यादा नहीं बना सकता, लगभग अपने पास ओनली 2,000 आयरन बचा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता यार हम लोग ज़्यादा ऑयल ड्रम्स बना पाएंगे, क्योंकि अपने को मेंटेनेंस भी चाहिए अपने बेस का। तो भाई ये कोई और नहीं है, हाँ ये मेरा मोबाइल वाला अकाउंट है, क्योंकि जब मेरा आईपैड का बैटरी खत्म रहता है तो मैं अपने मोबाइल वाले अकाउंट से खेलता हूँ। तो चलो गाइस अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं, पर लैडर ले जाना जरूरी है यार, लैडर बनाता हूँ मैं। तो भाई जब भी मैं चलता हूँ ना अगर सोलो खेल रहा हूँ
तो दो SMG लेके जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर दो बंदों ने रश कर दिया, एक बंदे को आप लोगों ने अगर एक SMG से मारा तो दूसरे के लिए यार आपको SMG स्वैप करना पड़ेगा, सो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होता है। तो अभी जो है ना गाइस, हम लोग एकदम सेंटर वाले में बॉम्ब लगाएंगे। मे बी चार सीलिंग तो टूटे गई, सो यहाँ पे जो है ना लगभग इनका 5 सीलिंग टूटता है। एंड आप लोग देखो यार, अभी मैंने ज्यादा बॉम्ब नहीं लगाया क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लगता है ग्लोबल में बॉम्ब ग्लिच होने का। भाई बॉम्ब ग्लिच हो गया ना तो काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है। ओके, लगभग अभी दो बॉम्ब और लगाने, एक से हो जाएगा। ओके गाइस, लगता है एक से फूट जाएगा। तो भाई यहां पे मैंने जैसी फर्नेस देखी मेरी तो यार हालत खराब हो गई, मतलब बंदों ने इतनी फर्नेस बना के रखी हुई है। एंड डेफिनेटली यार यहां से कुछ ना कुछ तो फर्नेस का से माल तो काफी मिलेगा, तो देखता हूँ यार फर्नेस से क्या है। पर यार यहाँ पे एक चीज अपने को काफी गजब की मिली, तो यार इनकी फर्नेस से लगभग यार अपने को काफी अच्छी अमाउंट में चारकोल मिला, सल्फर भी लगभग 2.5 के करीब में मिल गया था, जो कि काफी बढ़िया यार। 10 OL bomb ही तो लगाया हमने। वैसे मैं सोच रहा था यार इसका कैबिनेट जो है ना उस डोर के पीछे है, मैंने ग्लिच करके चेकआउट नहीं करा। एंड जो कैबिनेट था इसका रूफ के नीचे था यार, पहले चेकआउट करना चाहिए था अपने को। एंड मैंने जो है ना गलती से यार बॉम्ब्स वगैरह लगा दिए, एंड 3 बॉम्ब का यहाँ पे मैंने लॉस किया अपना, क्योंकि यार मुझे पता है कैबिनेट से कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, सो कैबिनेट तोड़ के यार कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। वैसे इसके बैकपैक में देखता हूँ क्या है। भाई स्पीयर है काफ़ी अच्छी अमाउंट में, तो बॉक्सेस में चेकआउट करता हूँ। लगभग गाइस 2000 तो मेरे को, मतलब 2700 के करीब में मेरे को सल्फर मिला। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं फटाक से ऑयल ड्रम्स लगाता हूँ एंड इसको उड़ाऊंगा। भाई बोन के आर्मर नहीं छोड़ने हैं, बोन के आर्मर की तो अपने को सख्त जरूरत है अभी। भाई यहाँ पे बंदे ने रूफ लगा के रखी हुई है, सो इसको तो हम लोग आगे रेड नहीं करेंगे। एंड अभी जो है ना हम लोग फटाफट से अपने बेस में चलते हैं, एंड जितना हमारे पास आयरन है उसके हम लोग थोड़े से ऑयल ड्रम्स बना लेंगे। एंड कुछ GP मेरे को रखना है अपने के लिए बुलेट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि यार हम लोग अभी इतना बॉम्ब्स लगा नहीं सकते यार, क्योंकि हम लोग सोलो हैं तो हमें देख के चलना पड़ेगा। जहाँ पे हमें प्रॉफिट लगेगा यार हम लोग वहीं पे रेड करेंगे, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है कि भाई यार सर्वर एंड तक खेल, तो भाई उस हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से हम लोग अपने बेस में चलते हैं, एंड जितना भी हमें इनके बेस से सामान मिला वो सारा का सारा हम लोग अपने बेस के अंदर रखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर से निकालते हैं कुछ बेसेस ढूंढने के लिए। तो अभी मेरा प्लान है कि हम लोग जो है ना ऊपर वाले अबेंडेंट के साइड में जाएंगे, क्योंकि उधर के साइड यार बेसेस काफ़ी मिलते हैं एंड उनसे यार रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यार मैं बॉम्ब बना के यहाँ पर से जा ही रहा था, सो मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आया एंड मेरे को जो है ना पीछे से भी बंदा मारने लगा था। भाई इसका डैमेज तो मुझे कुछ गलत सा लग रहा था यार, इतने दूर तक ये बंदा मार गया सर, वैसे भी SMG से भाई इतना दूर का तो मेरा लगता नहीं है, पर इसका काफ़ी गंदा लग रहा था। तो यार मेरे पास यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह थे, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा यार हिचकिचा रहा था फाइट करने में। अगर बॉम्ब्स नहीं आते यार मैं तो सीधा ओपन में जाता एंड बूम बाम करके आता, पर यार 10 के करीब ऑयल बम है मेरे पास एंड मुझे नहीं लगता ऐसा जाना फायदेमंद है। तो यहाँ पे से गाइस हम लोग दूर दूर मार रहे थे, एंड देखो मेरा 12 का डैमेज आया एंड उस बंदे का क्या ही गंदा डैमेज चल रहा है अपने में। भाई पूरी येलो कर दी उसने हेल्थ अपनी, तो मैं यार फटाफट से पीछे गया, हील किया, एंड उसके बाद यार मैंने एक काफ़ी गजब का प्लान करा। मैंने प्लान किया इसको मारना है तो मेरे को फाउंडेशन लगा के जाना पड़ेगा एंड इसके क्लोज रेंज जाऊंगा, क्योंकि यार इसका लॉन्ग रेंज यार बेटर है। काफ़ी गंदी बुलेट्स लग रही है अपने को इसको इसकी लॉन्ग रेंज में। अब अभी भी देखो यार, तो मैं सोच रहा था इसके क्लोज जाऊं, पर मैंने कहा यार ऐसे में तो बात नहीं बनेगी। एंड ये कहां मार रहा है एंड डैमेज मेरे को कहां पे हो रहा है, देखो भाई देखा आप लोगों ने बुलेट्स लगभग यार मेरे से काफी ज्यादा दूर चल रही है और डैमेज मेरे को हो रहा है। चलो यार फटाफट से अपना आपको हील करता हूँ, एंड उसके बाद यार मैं तो फुल तैयारी से आ रहा था। एंड ये बंदा भी पूरा फोकस दे यहाँ पे रेड करने में। चलो कोई नहीं यार अभी चलता हूँ एंड इसको बजाता हूँ। ओके गाइस ये अंदर घुसा एंड मेरे पास यार काफ़ी अच्छा मौका है, चलो इसको बजा देते हैं आप। तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने इसको नॉक एंड फिनिश करा एंड लगता है यार ये सामान तो उठा लिया होगा, पर नहीं 200 सल्फर मिला यार अपने को फ्री में। भाई मजा आ गया, मतलब 200 सल्फर फ्री में, वैसे इसका शॉटगन गिर गया। ओके यहाँ पे मेरे को 1100 स्टोन मिला। तो उसके बाद जो है ना गाइस मैं फटाफट से आगे के साइड निकला
एंड कुछ दूर जाने के बाद मेरे को यहाँ पे एक बेस और दिखा। वैसे ऊपर वाले अबेंडेंट में गाइस ज़्यादा बेस नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट वाली वीडियो में ना हम लोग अबेंडेंट के नीचे साइड चलेंगे, देखेंगे यार कोई बेसिस वगैरह मिलेंगे तो हम लोग रेड मारने का ट्राई करेंगे। वैसे अभी तक यार आपको एक बात बताऊं, मैंने एक भी पर्पल रूम नहीं किया है। मेरे पास पर्पल कार्ड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि तुम्हारे भाई ने यार जितना भी एवेंजर आया ना अभी तक तुम्हारे भाई ने भरा है सारे के सारे एवेंजर। मैंने सोचा कि मैं चारों के चारों एवेंजर जो है ना किसी को नहीं दूंगा, और क्योंकि यार एवेंजर मारना लगभग 10-15 मिनट का काम है। मैंने अलार्म लगाया रहता है, जैसे एवेंजर स्पॉन होता है ना तो अलार्म बजता है, मैं जाता हूँ मिलिट्री एवेंजर को भरता हूँ, फिर बेस आ जाता हूँ। एंड रात को भी गाइस अलार्म लगाता हूँ, उठता हूँ, मारता हूँ एंड फिर सो जाता हूँ। ये सीन है यार मेरा काफ़ी गजब का, मतलब थोड़ा सा यार करना पड़ता है। तो चलो गाइस मैंने फटाफट से इस बेस में बॉम्ब लगाए एंड इस बेस में यार अपने को कुछ खास मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो। वैसे यहाँ पे बंदा बैठा हुआ था, मैं मार सकता था, मैंने कहा चलो यार नहीं मार रहे, थोड़ा सा दया कर लेते, जब है नहीं तो यार मार के फायदा क्या है। तो यार उसके बाद जाने के बाद मेरे को यहाँ पे एक बेस दिखा एंड मेरे पास यार इतना ऑयल बम नहीं था कि इसको हम लोग रेड कर पाए। वैसे मैंने सोचा था यार स्टोन को होगा तो हम लोग डोर टू डोर घुस जाएंगे, लगभग मेरे पास 3 डोर तोड़ने लायक बम है। तो यार जैसे मैंने इसके डोर में बम लगाया, डोर को हम लोगों ने इसका इजीली तोड़ दिया था, पर इसका जो अंदर का डोर था ना वो आयरन का था। भाई यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हुआ यार, मेरे पास ऑयल ड्रम्स भी नहीं है, अगर 11 ऑयल ड्रम्स रहते ना तो डेफिनेटली मैं इसका वॉल तोड़ देता, पर अपने पास ऑयल ड्रम नहीं था। अगर मैं सेल्फ करता यार मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पे गिर सकता था। फिर मैंने जो है ना यहाँ मैं डायरेक्टली यार प्लान कैंसिल किया कि बेटा अपने से नहीं हो पाएगा, तू ऐसे कर निकल जा फटाफट से यहाँ से। फिर यार फिर भी चलो चल के देखते हैं यार क्या होता है। वैसे स्टोन का था एंड मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जड़ चुकी थी कि डेफिनेटली यार इसका जो डोर है ना वो भी स्टोन का होगा, पर डोर जो है ना यार पूरा आयरन का था। एंड मेरे पास यार लगभग 7 ऑयल ड्रम्स थे, भाई इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा। चलो यार ऐसे करते हैं ना, फटाफट से हम लोग सीधा निकलते हैं अपने बेस में। तो भाई कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे मेरे को एक बेस दिखा, मैंने कहा यार बंदे ने फर्नेस जो है अपनी छत में लगा के रखी हुई है, ऐसे कैसे भाई। पर जैसे ही मैं पास में गया ना मेरी तो हालत खराब हो गई थी, ये हैकर का बेस था। आप लोगों ने देखा यार फर्नेस कुछ इस तरीके से लगा के रखी हुई है, मतलब अब क्या ही बोले। तो मैंने कहा यार मेरे पास एडवांटेज है, अगर बंदा बेस के अंदर होगा तो मैं उसको मार दूंगा इजिली एंड अंदर से तो हम लोग इसका लूट निकाल सकते हैं। पर जैसे गाइस मैंने यहाँ पे चकुआ चलाया, दिस बिल्डिंग अंडर प्रोटेक्शन, भाई मतलब बंदे ने कैबिनेट फोड़ के रखा हुआ है। तो ये है गाइस जो बोलते हैं ना ग्लोबल नए बंदे खेल रहे हैं, नहीं भाई तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ग्लोबल मैक्सिमम पुराने बंदे खेल रहे हैं, पुराने बंदे, ठीक है। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोग अपने बेस में पहुँच चुके हैं एंड हमारी रेड वगैरह तो कंप्लीट हो गई है, और अभी अपना प्लान भी नहीं है और बेसिस रेड करने का। नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग नीचे वाले अबैंडेंट साइड जाएंगे एंड देखते हैं क्या करना है। वैसे मेरा प्लान है यार नेक्स्ट डे हम लोग रूम्स वगैरह करेंगे क्योंकि अपने को हैंडमेड वगैरह ढूंढना, एंड अभी जो है ना गाइज ड्रॉप वगैरह में तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हैकर यार बहुत ज़्यादा है। फिर भी कल जाने का ट्राई करूंगा, देखते हैं हैकर वगैरह मारेगा तो क्या करना है गाइज। तो ओके गाइज जितना भी मैंने सामान वगैरह कलेक्ट करा है मैं वो इसमें डालता हूँ एंड उसके बाद यार मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग एक राउंड बॉड बेस का मार के आते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि लूटने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यार काफ़ी ज़्यादा बार दिखाया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं यार लूट मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो मैं जैसी बॉड बेस करके आऊँगा ना आप लोगों को लूट दिखा दूंगा कि क्या क्या अपने को मिला है। तो भाई बॉड बेस तो अभी तक तो दिखा नहीं मेरे को, वैसे मैं जब मॉर्निंग में लूटा था तो ये वुडन बॉड बेस था एंड अभी भी यार वुडन है आई थिंक, लगता है मेरे को लूट रिस्पॉन्ड नहीं हुआ है, क्या करें चल के देखते हैं यार। इतने दूर आए हैं तो एटलीस्ट यार एक बार ही चेकआउट तो करना बनता ही है। लकीली गाइस ठीक हुआ मैं वापस नहीं गया, मैंने पूरा बॉड बेस किया एंड तुम्हारे भाई को यार जो भी बॉड बेस का लूट होता है वो मिल चुका है भाई। एनी गाइस ये कौन सा बॉड बेस है, तो गाइस ये तीसरा बॉड बेस है जो मैं कर रहा हूँ। एंड एक खास बात आपको बताता हूँ, मैं मॉर्निंग में अलार्म लगाया था एंड मैं मॉर्निंग में गया एंड लकीली यार का यार मॉर्निंग में भी बॉड बेस मिल गया था। तो चलो गाइज अभी जो है ना मैं सारा का सारा सामान यहाँ पे डालता हूँ और निकलते हैं आगे। भाई मैं सोच रहा हूँ यार आई थिंक अभी एवेंजर का भी टाइम हो गया है, क्यों नहीं यार आज दिखाता हूँ क्योंकि मैंने एवेंजर गाइज लिटरली काफ़ी भरे हैं।
अपने पास लगभग 40 के करीब पॉइंट है, पर यार जाने से पहले मैं उजी लर्न करता हूँ अपने के लिए। मैं सोच रहा हूँ उजी लेके चलूँ यार, और मेरा सेमी ऑटो राइफल भी ख़त्म होने वाला है, एंड फामास से मारूंगा यार, फामास से जीपी काफ़ी लगता है। तो मैं जो है ना रिकमेंड करूंगा, आप लोग अगर एवेंजर मार रहे हो तो सेमी ऑटो से मारो यार, 250-300 बुलेट्स में ईजिली मर जाता है। फामास से यार लगभग 33 का डैमेज आता है, सेमी ऑटो से 58 का, वो बेटर है। तो इसीलिए जो है ना आज मैं पहली बार सेमी ऑटो राइफल लर्न कर रहा हूँ। तो ओके गाइज, यहाँ पे अपना सेमी ऑटो राइफल लर्न हो चुका है, एंड मैंने कहा यार वैसे मैं फामाज लेके जाने का ट्राई कर रहा था, अब डेफिनेटली एआर वाले बंदे आएंगे, सो मैंने प्लान किया यार फामाज लेके जाके कोई फ़ायदा नहीं है, एआर वालों के साथ तो यार उजी बेटर है, क्योंकि हम लोग क्लोज रेंज फाइट लेंगे तो उजी वाला मार देता है। तो मैंने डिसाइड करा चल बेटा फटाफट से अपने के लिए एआर भी लर्न कर ले, नहीं आई मीन उजी। तो मैं फटाफट से सेमी ऑटो राइफल बनाता हूँ, एंड उसके बाद यार हम लोग उजी भी बना लेंगे अपने के लिए। आई थिंक स्पीयर तो मेरे बैग में नहीं, ओके कैबिनेट में रखा। तो चलो गाइज हम लोग फटाफट से यार उजी भी बनाते हैं, एंड बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है ना गाइज हम लोग आज ही से कंटिन्यू करेंगे, सो आगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं उजी लर्न करता हूँ भाई, लगभग थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लीजिए इतना। तो ओके गाइज यहाँ पे अपना उजी तो लर्न हो चुका है, एंड फाइनली यार हम लोगों ने आज सेमी ऑटो राइफल भी लर्न किया, उजी भी लर्न किया। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करो। डेफिनेटली गाइज हम लोग आपके लिए काफ़ी अच्छी सीरीज आगे लेके आने वाले हैं, सो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और नई जर्नी में, वो भी कल ठीक अपने पुराने वाले टाइम पे 3:14 में, क्योंकि अभी अपना पीसी सही हो चुका है, तो डेफिनेटली यार पीसी गेम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, एंड मैं चला रेडी होने मिलिट्री के लिए, मिलिट्री करके आता हूँ, एंड वो वीडियो आप लोगों को कल दिखाऊंगा। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट।